नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 10 अप्रैल शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। कोरोना का कहर जारी है। उज्जैन जिले में पहली बार कोरोना के एक दिन में 150 मरीज सामने आए हैं, जिसके चलते उज्जैन में लॉकडाउन की अवधि को अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। इसी प्रकार फेरी लगाकर सब्जी बेचने वालों को भी रियायत दी गई है। दूध की सप्लाई भी सुबह 6 से 10 बजे के बीच की जा सकेगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बीते 10 दिन से कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 दिन के भीतर ही मरीजों की संख्या 60 से बढ़कर 150 पर पहुंच गई है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जिन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। प्रदेश भर में बेकाबू हो रहे कोरोना को लेकर शनिवार को सीएम शिवराज सिंह ने सभी जिले के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली, जिसमें सीएम और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने उज्जैन में लॉकडाउन की अवधि 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले के आयोजन के चलते सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शहर पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उज्जैन में लॉकडाउन की मांग की थी। इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर की बैठक ली। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये परमिशन मांगी है कि सोमवार तक सुबह तक का लॉकडाउन है, लेकिन उज्जैन में पर्व है सोमवती अमावस्या और कुंभ का मेला चल रहा है हरिद्वार में, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। तो हमको परमिशन दी जाए कि इस सोमवार से तक से लेके अगले सोमवार तक लॉकडाउन की हमको परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी ने हमको ये परमिट करा कि आप लोग निर्णय ले लो, और हमने लॉकडाउन का निर्णय ले लिया है कि अगले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। कुछ हम छूट देंगे जनता को, उस छूट और नियम का पालन करते हुए जनता को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। पाटीदार अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में हुए अग्निकांड के 6 दिन एक और वृद्धा की मौत हो गई है। 6 दिन में ये चौथी मौत है। इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। सभी कोविड मरीज थे और आग की घटना के दौरान उनके शरीर में जो धुआं घुसा उसने उनकी सांस लेने की नली को जाम कर दिया। ये मरीज कोरोना से तो हिम्मत से लड़ रहे थे, लेकिन आग के धुएं की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। ऋषिनगर निवासी सावित्री श्रीवास्तव, विवेकानंद कॉलोनी निवासी कन्हैया लाल चौरसिया और लक्ष्मीनगर की नीला पटेल के बाद शुक्रवार की शाम आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती मिर्ची नाला निवासी 70 वर्षीय गजीबाई सिरोलिया की भी मौत हो गई है। वे कोविड मरीज थी और पाटीदार अस्पताल में अग्निकांड के 4 दिन पहले ही उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यहाँ वे भी आग में घिर गई थी, जिसे पुलिसकर्मी व फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अन्य किसी तरह बाहर निकाल कर लाए थे तथा उन्हें आरडी गार्डी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। गजीबाई की मौत के बाद शुक्रवार रात को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके नाती संतोष वर्मा ने बताया कि नानी मामा जी के संक्रमित होने की वजह से संक्रमित हो गई थी, लेकिन उन्होंने काफी रिकवर कर लिया था। इसी बीच अस्पताल में आग लगी, जिसमें अन्य मरीजों के साथ वे भी गिर गई थी। आरडी गार्डी में रेफर करने पर वहां डॉक्टरों ने उनके बेटे डॉक्टर हरदेव सिरोलिया व डॉक्टर गोपाल सिरोलिया को बताया कि नानी के फेफड़ों में काफी धुरुआ चला गया था। इसके बाद उनका 6 दिन तक इलाज भी चला, लेकिन जान नहीं बची। उन्हेल उप स्वास्थ्य केंद्र आक्यान जिक के कुंडला ग्राम में कोविड 19 के टीकाकरण का शुभारंभ हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच ज्ञानेंद्र सिंह डोडिया के परिजन भगवान सिंह ने सपत्नी श्रीमती सुगन कुंवर ने प्रथम टीका लगवा कर ग्रामीण जनों को प्रेरित किया कि आप सभी भी टीका लगवाएं, जिससे कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश शर्मा द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर टीकाकरण प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर ग्राम सरपंच सहित सहायक सचिव श्याम सिंह डोरिया, ANM नीलिमा मंडल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रकांता गहलोत, आशा कार्यकर्ता निर्मला केथुनिया, आंगनवाड़ी सहायिका सविता सोलंकी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इसी प्रकार खाचरोद में व्यापारी संघ द्वारा कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन गणेश देवले स्थित जैन मांगलिक भवन में किया गया।
टीकाकरण अभियान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे, इसी मंशा के साथ शिविर का शुभारंभ खाचरोत SDM पुरुषोत्तम कुमार ने किया। किराना व्यापारी कार्यक्रम आयोजित कर संघ द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर शिविर की शुरुआत की, जिसमें SDM पुरुषोत्तम कुमार को माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। व्यापारी संघ ने SDM पुरुषोत्तम कुमार से कहा कि कोरोना आपदा में पिछले वर्ष भी व्यापारी संघ द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया गया था। इस वर्ष भी व्यापारी संघ प्रशासन के साथ है, जहां भी संघ की जरूरत हो प्रशासन के सहयोग के लिए तत्पर तैयार है। हमारे नगर में भी चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है और इसमें जो है सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। कल ही जो है यहाँ जैन सोशल ग्रुप ने भी किया था और आज जो है किराना व्यापारी संघ की ओर से जो है हमें सहयोग प्रदान किया गया है। ये एक अच्छी पहल है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करूँगा कि सभी लोग इस तरह आगे आएं और अधिकाधिक लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन कराने में मदद करें। हमने शहर में जितने भी DLO हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि वोटर लिस्ट के आधार पर वोटर लिस्ट में जिनके भी 45 वर्ष से अधिक की आयु लिखी है उन सभी को जो है मोटिवेट करके और सबसे बड़ी बात है उनका भ्रम दूर करके और उनको कोरोना वैक्सीनेशन कराना है। लॉकडाउन के दौरान तराना नगर में भी संपूर्ण लॉकडाउन रहा। यहां सब्जी व फल फ्रूट विक्रेताओं को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक की छूट दी गई थी तथा दूध की दुकान वालों को भी सुबह 6 से 10 बजे तक का समय दिया गया था। इसके साथ ही प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य करते नजर आया। तराना के बस स्टैंड, झंडा चौक, उतारा चौराहा, महितपुर नाका, पुरान पेट्रोल पंप आदि चौराहे पर पुलिस की गश्त रही। इस दौरान मेडिकल स्टोर एवं दवा खानों पर भीड़ नजर आई। देवास में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शहर के मुख्य बाजार MG रोड सहित सब्जी मंडी में फल फ्रूट की दुकानें तक बंद है। मेडिकल और दूध की दुकान खुली थी, बाकी सब दुकानें लॉकडाउन के कारण बंद नजर आई। AB रोड पर वाहनों की आवाजाही लगातार चलती रही, चार पहिया वाहनों के साथ दो पहिया वाहन निकलते रहे। AB रोड पर लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं दिखा। सयाजी गेट पर नगर निगम की टीम निकलने वाले लोगों को रोककर जरूर पूछ रही थी। वहीं शहर की कॉलोनियों में भी लोग घूमते नजर आए। एक तरफ पूरा बाजार बंद था लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई थी। जहां एक और 60 घंटे के इस लॉकडाउन में मेडिकल, दूध सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद नजर आईं, वहीं शराब की दुकानें रात को भी खुली थी और सुबह से शराब की दुकान खुली नजर आई। रात को चेकिंग के दौरान SDM प्रदीप सोनी ने शराब की दुकान के अहाते पर लोगों के बैठकर शराब पीने और मास्क नहीं लगाने के चलते चालानी कार्रवाई भी की थी। बताया जा रहा है कि सरकार ने राजस्व को देखते हुए शराब दुकानों को छूट दी है। सबसे पहला तो ये देख रहे हैं कि मास्क लगाया नहीं लगाया है। अगर आदमी घूम रहा है तो हम उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, लॉकडाउन है, आप बिना काम के क्यों घूम रहे हो। तो यही बताते हैं लोग, कहीं इंजेक्शन लगाने जा रहा है, कहीं वैक्सीन लगाना है, इसलिए उनको जाने देते हैं। अभी तक कोई फालतू इंसान पकड़ा है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति या आदमी नहीं पकड़ाया है। वो बराबर अपने कामों को बता रहा है, चिट्ठी हॉस्पिटल की चिट्ठी वगैरह बता करके जा रहा है। ये क्षेत्र में जो है लॉकडाउन दो सरकार फाइव पार्टीज और सिक्स पॉइंट और नाके हैं जो हमारे, उनके व्यवस्था लगा दी गई है और उसको जो है बताया गया है कि उनको पालन कराना है और पुलिस का अपना व्यवहार जो है संतुलित रखना है। लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि हम जो अपने घरों में रहें उसका अपने स्टैंड पर फर्म रहना है और शालीनता से बात करना है। सर, जैसे मजदूर लोग आएंगे, जैसे कार्ड बताते, जैसे आपने चर्चा की बात भी करी थी, जो पेशेंट भी आता है जो पर्चा दिखा देगा उसके बाद छोड़ना है आप। जो सरकार के जो एग्जामेशन है जिसमें जो आदमी जहाँ अगर कोई मजदूर है, इंडस्ट्री एरिया में काम करता है या कोई मरीज है तो उसमें जो उनके पहचान पत्र वगैरह वो देख के उनको छूट दी जाएगी। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख खबरें। अगर खबरों से रिलेटेड आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारी YouTube और Facebook के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।